और अब खबरों में आगे बात करते हैं बुलंदशहर की, जहां पर बुलंदशहर में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में भरी हुंकार, देश में कमल खिलेगा, मोदी जी पीएम बनेंगे। मोदी जी ने देश को नई पहचान दी है, आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म किया है, कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया है, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक पर कानून। बीजेपी देश की अस्मिता को बचाने वाली पार्टी है, कांग्रेस ने देश की समस्या इस दौरान पैदा की है और कांग्रेस को सपोर्ट करती है। इस दौरान सपा और बसपा, बीजेपी समाधान का नाम है। बुलंदशहर गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ रहा है, वहीं कांग्रेस ने मुरादाबाद में दंगा कराया था, दंगाइयों को सरकार का साथ मिलता था। माफिया अपराधी राम नाम सत्य की यात्रा पर हैं और कांग्रेस ने श्री राम के अस्तित्व पर भी सवाल किए हैं। तो तमाम ये बड़ी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में कही और इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है।